फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार के हमें दो ट्रेलर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सलार के मेकर्स इस फिल्म के दो ट्रेलर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ इसके पहले ट्रेलर को मेकर्स प्रभास के जन्मदिन यानी 23 अक्टूबर 2023 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहीं इसके दूसरे ट्रेलर को सलार के रिलीज डेट से एक हफ्ते पहले रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। आपको बता दें, सलार एक एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और वहीं प्रभास की ये फिल्म हमें 22 दिसंबर 2023 को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी और 22 दिसंबर 2023 को ही शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली 10 फिल्मों की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। जहां उनकी पहली फिल्म हैप्पी टीचर्स डे 27 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेगी और वहीं उनकी दूसरी अनटाइटल फिल्म जिसके लीड रोल में शाहिद कपूर और कृति सेनन देखने को मिलेंगे, ये फिल्म 9 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगी। तीसरी फिल्म मुंझा 29 मार्च 2024 को, चौथी फिल्म तेहरान 26 अप्रैल 2024 को, पांचवी फिल्म स्त्री 2 30 अगस्त 2024 को, छठवीं फिल्म स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 को, सातवीं फिल्म छावा 6 दिसंबर 2024 को, आठवीं फिल्म 21 10 जनवरी 2025 को, नौवीं फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर 14 फरवरी 2025 को और वहीं उनकी दसवीं फिल्म दिलेर 10 अप्रैल 2025 को देखने को मिलेगी। अगर आपको इन फिल्मों के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे मैंने अपने दूसरे चैनल फिल्मी अनु रिव्यू पर अपलोड कर दिया है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिनेश विजय और उनकी आने वाली इन 10 फिल्मों के बारे में? डायरेक्टर नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण से एक अपडेट है। आपको बता दें, पिंक विला की एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 3 पार्ट की फिल्म सीरीज होने वाली है। जहां इसके पहले पार्ट की शूटिंग फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और वहीं कहा जा रहा है कि रामायण के पहले पार्ट में फिल्म की पूरी कहानी श्री राम और माता सीता के इर्द गिर्द बुनी जाएगी और वहीं इसके पहले पार्ट में हमें रावण का एक एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिलेगा। अभी तक इस फिल्म की कास्ट को लेकर मेकर्स द्वारा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है, पर पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार नितेश तिवारी के रामायण में हमें रणवीर कपूर श्री राम के कैरेक्टर में, साई पल्लवी माता सीता के कैरेक्टर में और रॉकिंग स्टार यश रावण के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि मेकर्स द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल कास्ट कब तक अनाउंस की जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर नितेश तिवारी और उनके डायरेक्शन में बनने वाली इस रामायण ट्रियोलॉजी के बारे में? रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलाइवर 170 के पूरी कास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें, थलाइवर 170 में हमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, राणा दग्गुबत्ती, फहद फासिल, मंजू वारियर, दुसारा विजयन और रितिका सिंह जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और वहीं इस फिल्म में हमें अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आपको बता दें, थलाइवर 170 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर टीजे गनावेल डायरेक्ट करने वाले हैं। थलाइवर 170 के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि रजनीकांत की इस फिल्म की शूटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे रजनीकांत और उनकी आने वाली फिल्म थलाइवर 170 के बारे में? सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, टाइगर 3 के मेकर्स यानी यशराज ने ये पोस्ट करते हुए बताया है कि टाइगर 3 का ट्रेलर हमें 16 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेगा और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि टाइगर 3 के ट्रेलर को CBFC बोर्ड द्वारा US सर्टिफिकेट दिया गया है और वहीं इस ट्रेलर का रन टाइम 1 मिनट 29 सेकंड का होने वाला है। आपको बता दें, टाइगर 3 यशराज की स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो देखना होगा कि टाइगर 3 दिवाली 2024 में कौन सी डेट को सिनेमा घरों में देखने को मिलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सलमान खान और उनकी आने वाली फिल्म टाइगर 3 के बारे में? जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।